लेकिन स्टॉक से न्यूज के क्रम में जब आशीष ने जिक्र किया वोडाफोन का मैनेजमेंट और उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल का, और जो इन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए का एक टैक्स रिफंड मिला है, एक काम करते हैं, इनके फंड रेजिंग प्लान और उसकी चर्चा और इस टैक्स रिफंड के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है वोडाफोन पे। दो रिपोर्ट्स हैं जिसका मैं आज जिक्र करूंगा और यतिन जिक्र करेंगे, वोडाफोन और साथ ही साथ इन्फो एज। पहले यतिन, गुड मॉर्निंग, पहले बताइए वोडाफोन पर टिप्पणियां क्या आई हैं, और इस स्टॉक पे बहुत से लोग फंसे हैं, और ये समझ लीजिए कि हाल ये है कि शाम को चलते चलते बहुत से लोग पीछे से रोक के बोलते हैं कि क्या करें, वोडाफोन का बेच दे या इसी, अगर आप देखें प्राइस पर होल्ड करके रखें, बताइए हाउस व्यूज क्या है। बिल्कुल वीरेंद्र, क्वेरीज ज्यादा आती हैं और यहाँ शेयर होल्डर का बेस भी बहुत बड़ा है। जहां तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, यस्टरडे कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया जिसके बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं आज। सभी ब्रोकरेजेस ने एक सुर में यहाँ टारगेट्स काटे हैं, और टारगेट काटने का कारण एक ही है, कंपनी कोई टाइप का फंड नहीं जुटा पाई है, कोई इक्विटी नहीं जुटा पाई है, और किसी प्रकार का गवर्नमेंट सपोर्ट अभी तक आया नहीं है। और इसी बेसिस पे ब्रोकरेजेस को लगता है कि शायद यहाँ से कंपनी की सस्टेनेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। CLSA ने यहाँ अंडर परफॉर्मर रेटिंग मेंटेन की है, 6 रुपए कर दिया टारगेट जो पहले 10 रुपए था, और इन्होंने मुनाफे का अनुमान भी लगभग 12% से काट दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। कारण एक ही है कि कर्ज की जो बढ़ोतरी हमने देखी है वोडाफोन आइडिया की, जो लगभग अभी 2 लाख करोड़ के आसपास छूने के लिए तैयार है, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी नहीं दी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो एक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया अभी तक। तो जब तक वो नहीं होता तब तक CLSA को लगता है स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म करेगा। क्रेडिट स्विस ने टारगेट 6 रुपए से काट के 4 रुपए कर दिया है, और ऑलराउंड वीक परफॉर्मेंस के बाद क्रेडिट स्विस को लगता है कि सरकार से जो सपोर्ट आने की जरूरत है, क्योंकि टेलीकॉम पैकेज की बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो रुकेंगे, जिसके बाद वो स्टॉक पे एक फिर से फ्रेश कॉल लेंगे। UBS ने न्यूट्रल कॉल रखा है शेयर पे, टारगेट है 10 रुपए। उनका भी यही कहना है कि जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट से आ रहा है, शायद वो AGR की टाइमलाइन बढ़ाएं या किसी प्रकार का फ्लोर डाल दें कॉल रेट्स पे या डेटा रेट्स पे, तो उसके लिए वो अवेट करेंगे। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस का व्यू यही है, फंड रेजिंग और गवर्नमेंट पैकेज, ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। चलिए, ये रणनीति तो आपके सामने आती हुई दिख रही है इस स्टॉक पर। डायरेक्टर साहब, जरा एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पर। जैसा कि यतिन जी और वीरेन जी आपको बता ही रहे हैं कि अक्सर अगर चर्चा होती है, जब आप बाजार बंद होकर किसी से मिलते हैं, वो जानने की चेष्टा करते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। 11 रुपये से ये स्टॉक आपको करेक्ट करता हुआ दिख रहा है, फरवरी में 14 रुपये था और अगस्त तक अब 6 रुपये, और यहाँ से भी कट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं टारगेट्स में। गौरांग शाह साहब को जोड़ते हैं। शाह साहब नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात। वोडाफोन आइडिया पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और आपको भी शुभ दिन। एक समय पर कवरेज हुआ करती थी जब ये आइडिया सेल्यूलर के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके पश्चात जिस तरीके से खबरें आई और जिस तरीके से वो राइट्स इश्यू हुआ और उसके बाद जो बर्बादी का माहौल शुरू हो गया, हमें लगा कहीं ना कहीं समझदारी इसी में है कि कवरेज से हमारा नाम हटा दें। और काफ़ी लंबे समय पहले हमने बिकवाली की भी राय दी थी। जो कर्ज इनके बैलेंस शीट पर है शैल जी, वो आंकड़ा देखते ही मेरे ख्याल से रीढ़ की हड्डी जो होती है वो तिल मिला उठती है। उसके साथ साथ आप जो इनके महीने दर महीने ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है और जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसमें जिस तरीके से दिक्कत आती थी, एक डिस्क्लोजर ये भी देना चाहूंगा कि एक समय पर मेरे पास भी वोडाफोन का सिम था, लेकिन पिछले 1.5 साल या साल भर पहले मैंने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मदद ली और मैंने कंपनी बदल दी। और मैं सभी को यही राय देता हूँ कि आखिर में 6-7 रुपए के शेयर में, और जब बड़े बड़े नाम इस्तीफा दे देते हैं शैल जी, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत चिंता हो जाती है कि क्या आपको अपना निवेश बना करके रखना है या यहाँ से निकलना है। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ और सहमत हूँ कि भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है और मार्केट इतना बड़ा है और अंडर पेनिट्रेटेड है,
तो क्या आपको दो बड़े प्लेयर होना सिर्फ लाजमी होगा या आपको और भी प्रतिस्पर्धा में कंपनी रखनी चाहिए? तो ये देखना जरूरी होगा कि सरकार का रवैया क्या होता है, लेकिन फिलहाल में इस को निवेश करना है तो प्राथमिकता के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है, उसके पश्चात भारतीय एयरटेल। जी चलिए, तो आपको अक्सर दिखेगा कि जब स्टॉक गिरता है और आपने बहुत अच्छे रेट देखे हों तो रिटेल इन्वेस्टर्स आपको निवेश करते हुए दिखेंगे। पिछले 2 साल में यही हाल येस बैंक में हुआ और वोडाफोन आइडिया का अगर आप रिटेल शेयर होल्डिंग देखेंगे तो वो आपको हर तिमाही में बढ़ती हुई दिखेंगी। यतिन जी हमारे साथ हैं। यतिन जी, गौरांग जी ने एक बात मेंशन करी कि रीढ़ की हड्डी तिलमिला जाती है अगर आप वोडाफोन आइडिया का डेट स्ट्रक्चर देखें, क्या आपके पास वो आंकड़ा है? हाँ शैल जी, देखिए जो डिस्क्लोजर हम रिपोर्ट्स में देखते हैं उसमें यही है कि डेट लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास छूने वाली है बहुत जल्द। अभी ग्रॉस डेट लगभग 1,90,000 करोड़ के आसपास है वोडाफोन आइडिया के लिए। काफी सारी लायबिलिटीज हैं, उनका एजीआर का पेमेंट्स है, लाइसेंस फीस है, स्पेक्ट्रम चार्जेस है, काफी सारी चीजें हैं जिसके कारण ये जो आपको लायबिलिटीज और डेट का फिगर दिखता है वो दिखता है 1,90,000 करोड़ के आसपास, 2 लाख करोड़ के आसपास। काफी सारे रिडेम्पशन भी उनको करने हैं, बॉन्ड होल्डर्स को पैसे भी चुकाने हैं दिसंबर 2021 में। तो काफी सारी चीजें नियर टर्म में आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया के साथ बनती हुई। अगर उनको एजीआर में रिलीफ नहीं मिलती है और सामने डेट पेमेंट उनको करना है क्योंकि काफी सारे उनके ड्यूज हो जाते हैं, तो काफी दिक्कतें कंपनी की पड़ सकती है। और इसीलिए शैल जी, जैसे कि मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट में कह रहा था कि फंड रेजिंग और सरकार से एजीआर के पेमेंट्स में रिलीफ, टैरिफ में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन रेगुलेटर का जरूरी है। और यस्टरडे वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल पे ये भी कहा कि सरकार एजीआर की जो गणित है उस पे भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन कर सकती है। एजीआर की जो पेमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उस पे रिव्यू पिटिशंस काफी सारी टेलीकॉम कंपनीज फाइल कर रही हैं, लेकिन वोडाफोन का ये कहना है कि सरकार भी इसके अंदर एक स्टेक होल्डर बन सकती है और सरकार भी ये कोर्ट को कह सकती है कि कहीं ना कहीं एजीआर की गणित गलत है या इसमें सुधार की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन इनडायरेक्टली सरकार को ये कहना चाहती है कि थोड़ा बहुत बेल आउट आपसे भी आना जरूरी है। यतिन जी, सन 2007 फरवरी के पहले हफ्ते में आपने वोडाफोन को हचिसन का इंडिया बिजनेस खरीदते हुए देखा और 2007 के बाद आप देखिए ये सूरत हाल है। एक 6 महीने का चार्ट हम आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल आपको जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर दिखेगा वो 7% ऊपर है और आपने वोडाफोन में 1 साल में 33% की गिरावट देखी है, भारतीय एयरटेल में 20% की वृद्धि देखी है। बहुत सारे कस्टमर्स जैसे कि गौरांग शाह साहब हैं और मैं मान के चलता हूं कि आपका जो बिल साइज है वो बहुत बड़ा होगा, वैसे कस्टमर्स आपको वोडाफोन आइडिया से हटते हुए दिख रहे हैं दूसरे दो ऑपरेटर्स की तरफ जाते हुए। चलिए, ये तो चर्चा हुई वोडाफोन आइडिया की। अगर आप इस शेयर में हैं तो राय आपको ब्रोकरेजेस की तरफ से मिलती हुई दिख ही रही है।